तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है केबिन इन द वुड्स। इस मूवी को IMDb पे 7/10 की एक शानदार रेटिंग है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो साइंटिस्ट दिखते हैं जो कि एक अंडरग्राउंड जगह पर थे। वो लोग एक सीक्रेट मिशन पे काम कर रहे थे जो कि उनके अलावा किसी और को नहीं पता था। वो लोग दुनिया के अलग अलग कोने में इस मिशन को कर रहे थे लेकिन हर जगह पे ये मिशन फेल हो रहा था और अब वो लोग जापान और अमेरिका पे इस मिशन को करने वाले थे। उसके बाद हमें 5 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जिसमें डैना, मार्टी, कर्क और कर्क की गर्लफ्रेंड जूल्स होती है। इसमें कर्क का एक दोस्त भी होता है। ये लोग एक जगह पर जा रहे थे, इस जगह का नाम था वुड एरिया और ये लोग वहाँ पे एक कैबिन में रहने वाले थे जो कि उनके दोस्त ने रिसेंटली परचेस किया था। फिर ये लोग जब जाने के लिए निकल गए थे तो एक आदमी सामने बिल्डिंग की छत से इन पर नजर रखे हुए था। वो आदमी किसी को कॉल करके बता रहा था कि वो लोग टाइमली यहाँ से निकल गए हैं। रास्ते में ये सभी एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। पेट्रोल पंप का ओनर काफी अजीब होता है, वो उनको पेट्रोल भी नहीं देता और उनसे मिसबिहेव करने लगता है। फिर वो लोग उसे वुड एरिया का एड्रेस पूछ के वहां से निकल जाते हैं। वुड एरिया में आने और जाने का एक ही रास्ता था जो कि एक टनल से होके गुजरता था। जब वो लोग टनल से गुजर रहे थे तब वहां पे एक चील उड़ रहा होता है जो कि अचानक से किसी इनविजिबल एनर्जी वॉल से टकरा के वही मर जाता है। ये बात काफी अजीब होती है कि वहां पे ये एनर्जी वॉल किसने बनाई होगी। इसके बाद वो लोग केबिन तक पहुंच जाते हैं। वो केबिन घने जंगल के बीचों बीच था। उसके बाद कार्ट के दोस्त होल्डन को पेंटिंग दिखती है। पेंटिंग काफी अजीब होती है इसलिए होल्डन उसे निकाल के साइड में रख देता है लेकिन पेंटिंग को हटाने पे से एक वन साइड मिरर दिखता है। होल्डन मिरर के आर पार देख सकता था। मिरर के दूसरी साइड डैना है लेकिन वो होल्डन को नहीं देख सकती थी। फिर होल्डन डैना को ये सब बात बता देता है और वो लोग अपना रूम चेंज कर लेते हैं। इस सीन के दौरान हमें पता चलता है कि पूरा कैबिन इनफैक्ट ये पूरी जगह पे टेक्निकली एडवांस मशीन और कैमरास लगाए हैं और वो साइंटिस्ट कैमरास की मदद से उन पे नज़र रखे हैं और वो लोग इस पूरी जगह को कंट्रोल कर रहे थे। तभी उनके पास एक कॉल आती है। ये कॉल उसी अजीब पेट्रोल पंप के ओनर की होती है। वो कहता है कि मैंने उन्हें बिना पेट्रोल दिए वहाँ पे भेज दिया है और अब वो लोग मौत के करीब हैं। फिर सारे साइंटिस्ट उन पर बेट लगाने लगते हैं इन्हें कौन सा मॉन्स्टर या एनिमल मारेगा। फिर हमें वही 5 फ्रेंड्स दिखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी बेसमेंट का डोर अचानक से खुल जाता है जिसकी वजह से वो लोग काफी डर जाते हैं और काफी हैरान भी होते हैं कि आखिर इस बेसमेंट में क्या हो सकता है। फिर वो लोग चेक करने के लिए बेसमेंट के नीचे जाते हैं और वहाँ पे रखी चीजों को देखने लगते हैं लेकिन मार्टी अपने दोस्तों को वहाँ पे जाने के लिए मना कर रहा होता है और वहाँ से बाहर निकलने को बोलता है लेकिन उसके दोस्त उसकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। बेसमेंट में काफी अजीब सी चीजें रखी होती है। वहाँ पे डैना को एक डायरी मिलती है और वो डायरी एक छोटी बच्ची एना की होती है। एना ने उस डायरी में उनके साथ किए गए टॉर्चर्स का जिक्र किया था। एना ने लिखा था मेरे फादर मुझे और मेरी माँ को भी टॉर्चर किया थे। उसमें एना का एक हाथ कट गया और मेरी मदर मर गई। डायरी में ये भी लिखा था अगर कोई डायरी के लिखे शब्दों को पढ़ेगा तो एना और उसकी फैमिली जिंदा हो जाएगी। वो डायरी पढ़ने वाले को मार डालेगी, सब लोगों को भी मार डालेगी। सुनकर मार्टी डैना को शब्दों को पढ़ने से मना करते हैं लेकिन डैना और उसके फ्रेंड्स इन बातों को नहीं मानते और उस डायरी में लिखे शब्दों को पढ़ लेते हैं। इसकी वजह से कैबिन से कुछ दूर जंगल में एना और उसकी फैमिली जिंदा हो जाती है। लोग अपनी कब्र से निकलकर बाहर आ रहे थे और वो अब जॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे। बेसमेंट पे जिन लोगों ने जॉम्बीज पे बेट लगाई थी लोग बेट जीत जाते हैं। हमें जापान में चल रहे प्रोजेक्ट की फुटेज दिखती है। यहाँ पे डिमन सोल स्कूल के बच्चों को डरा रही थी। कर्ट और जूल्स कैबिन से बाहर जंगल में टहलने के लिए जाते हैं और सभी साइंटिस्ट उन पर नजर रखे हुए थे। जंगल में एक जॉम्बी जूल्स पर अटैक करता है और उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो जॉम्बी कार्ट को इंजर्ड कर देते हैं और जूल्स को बेरहमी से मार देते हैं। और जैसे ही जूल्स मरती है तो साइंटिस्ट एक लीवर खींच देता है इसकी वजह से जूल्स का खून जमीन के अंदर बॉडी के आउटलाइन को फिल अप कर देता है। फिर कार्ट कैबिन के में वापस आता है। वो अपने फ्रेंड्स को सारी बात बता देता है जो जंगल में उनके साथ हुआ। कहता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा नहीं तो ज़ॉम्बीज हमें भी मार देंगे। फिर अचानक से कोई उनका डोर नॉक करता है। कोई भी डोर ओपन नहीं करना चाहता था लेकिन डैना डोर ओपन कर देती है और दरवाजे पे ज़ॉम्बी था और इसी ज़ॉम्बी ने जूल्स को मारा था और उसके हाथ में जूल्स का सर था। वो उस सर को डैना के हाथ में फेंक देता है। वो सबको आउट डर जाते हैं
और सभी मिलकर दरवाजा बंद कर देते हैं। कार्टून सभी को साथ में रहने को बोलता है, जिससे साइंटिस्ट को डर लगता है ये लोग कहीं सरवाइव ना कर ले। फिर एक साइंटिस्ट बटन प्रेस करता है जिससे कर्ट के पास एक गैस रिलीज होती है और उसका डिसीजन बदल जाता है। वो सबको अलग अलग छुपने को बोलता है। फिर वो लोग अपने अपने रूम्स में छुप जाते हैं और उनका डोर लॉक हो जाता है। मार्टी को अपने रूम में कैमरास और वायर दिखते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि कैमरास के जरिए उन पे नजर रखी जा रही है। मार्टी सब सोच ही रहा होता है कि तभी खिड़की से मार्टी पर हमला कर देता है और उसे जंगल में ले जाता है। ऐसा फील होता है कि मार्टी मर गया और एक बार फिर कॉन्शियस बॉडी की आउटलाइन फिलअप हो जाती है और उन फ्रेंड्स में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे जो अपनी जान बचाने के लिए फैन में बैठ जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमें जापान वाला प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर बच्चों ने एक रिचुअल करके उस डिमन सोल को एक मेंढक में तब्दील कर दिया था, जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जापान वाला प्रोजेक्ट भी फेल हो गया है और अब सिर्फ अमेरिका वाला प्रोजेक्ट ही रह गया था, क्योंकि उन फ्रेंड्स पर किया जा रहा था। वो तीनों वैन से टनल की तरफ जा रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि वो आसानी से टनल से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन वो सब गलत थे। VPA पूरी जगह बेसमेंट के कंट्रोल में थी, इसलिए बेसमेंट के लोग वहाँ पे ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा टनल टूट जाता है और उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। फिर कर्ट कहता है कि मैं टनल के पास की खाई से जंप करूंगा और बाहर जाके मदद बुलाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो बाइक की मदद से जंप करता है वो एक इनविजिबल एनर्जी वॉल से टकरा कर नीचे खाई में गिर जाता है और मारा जाता है। अब सिर्फ डैना और होल्डन ही बचे थे। उन्होंने वैन में बैठकर किसी दूसरे रास्ते को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उस वैन में एक जॉम्बी भी था। वो जॉम्बी एक रॉड को होल्डन के गले में आर पार कर देता है, जिस वजह से उनकी वैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लोग नदी में गिर जाते हैं। फिर डैना कैसे भी करके वैन से बाहर निकलती है और फिर वहाँ पे मार्टी भी आ जाता है, यानी कि वो मरा नहीं था। लेकिन बेसमेंट के लोगों को ये बात नहीं पता थी कि मार्टी अभी जिंदा है। वो लोग यही सोच रहे थे कि सिर्फ अब डैना ही बची है और कोई ना कोई मॉन्स्टर या एनिमल उसे मार ही देगा। फिर मार्टी डैना को उस जगह लेके जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बी ने मार्टी को लाया था। मार्टी डैना को बताता है कि मैंने ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, फिर भी ये जिंदा है। फिर वो डैना को ये बात भी बता देता है कि हम पर कैमरास के जरिए नजर रखी जा रही है और इस पूरे एरिया को टेक्निकली कंट्रोल भी किया जा रहा है। फिर मार्टी वहाँ की वायरिंग में छेड़छाड़ करके वहाँ के अंडरग्राउंड लिफ्ट का डोर ओपन कर देता है। उनके पास कोई और रास्ता ना होने के कारण वो लोग लिफ्ट में उतर जाते हैं। वो लिफ्ट ट्रांसपेरेंट थी, दोनों रास्ते में काफी अजीबोगरीब मॉन्स्टर और एनिमल्स दिखते हैं। फिर साइंटिस्ट को ये बात पता चल जाती है ये वो दोनों लोग अभी जिंदा है और हमारी बेसमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो साइंटिस्ट उन दोनों को मारने के लिए एक सिक्योरिटी ऑफिसर को भेजता है, लेकिन वो दोनों मिलकर उस सिक्योरिटी ऑफिसर को मार देते हैं। और इसके बाद वो बाहर आते हैं और बाहर आके वो लोग एक अनाउंसमेंट सुनते हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए तुम्हें खुद को सेक्रीफाइस करना होगा। वो लोग ये सुन के और डर जाते हैं और एक रूम में छुप जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों छुपे थे वो बेसमेंट का कंट्रोल रूम था। वहां से सारे लिफ्ट को कंट्रोल किया जाता था, जिनमें कई मॉन्स्टर और एनिमल्स और ज़ॉम्बीज थे। फिर मार्टी और डैना को पकड़ने के लिए पूरी बेसमेंट की मिलिट्री वहां पे आ जाती है। उनसे बचने के लिए डैना एक बटन प्रेस कर देती है, अब सारे लिफ्ट के डोर ओपन हो जाते हैं और वहां पे खतरनाक मॉन्स्टर एनिमल बाहर आ जाते हैं और वो सब लोगों को बुरी तरह मार देते हैं। दोनों साइंटिस्ट के रूम में भी मॉन्स्टर घुस जाते हैं और एक साइंटिस्ट को मार देते हैं। चुपके सीनियर साइंटिस्ट किसी तरह अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। तभी वहां पे डैना और मार्टी आ जाते हैं और उस साइंटिस्ट को भी मार देते हैं। फिर वो बेसमेंट में और नीचे चले जाते हैं और उस जगह आ जाते हैं जहाँ पर उन बॉडीज की आउटलाइन थी। वहाँ पे 5 लोगों की आउटलाइन थी, जिसमें 4 लोगों की आउटलाइन फिलअप थी। तभी वहाँ पे बेसमेंट की डायरेक्टर आ जाती है। वो डैना और मार्टी को बताती है ये सब करने के लिए पीछे हमारा एक मिशन था और ये सब हम इंसानियत को बचाने के लिए कर रहे हैं। बताती है कि इविल गॉड यानी कि बुराई के देवता, जो कि जमीन में काफी नीचे रहते हैं, उन्हें हर साल 5 लोगों का खून चाहिए होता है, इसलिए हम ये प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर इविल गॉड को 5 लोगों का खून नहीं मिला, वो जमीन पे आ जाएंगे और पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। बेसमेंट की डायरेक्टर कहती है कि इस प्रोजेक्ट को तुम दोनों ही पूरा कर सकते हो, खुद को सेक्रीफाइस करके, और वो भी सनराइज होने से पहले तुम्हें ऐसा करना होगा। और वो डैना को ऐसा करने के लिए उकसा देते हैं, जिसका असर डैना भी हो भी जाता है और मार्टी पर गन पॉइंट कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक वुल्फ आ जाता है और डैना पर अटैक कर देता है। फिर मार्टी गन लेके वुल्फ पर गन फायर करता है, वुल्फ डर के वहां से भाग जाता है। फिर बेसमेंट की
नैरेटर और मार्टी के बीच फाइट होती है, लेकिन तभी वहाँ पे डायरी वाली लड़की एना आती है और कुल्हाड़ी से डायरेक्टर को मार देती है। और मार्टी डायरेक्टर और एना को एक जगह पे फेंक देता है जहाँ पर इविल गॉड रहते हैं। तैना और मार्टी को लगता है कि सब नॉर्मल हो गया था और वो दोनों स्मोकिंग करने लगते है। और तैना मार्टी से माफी भी मांगती है कि उसने उस पर गन पॉइंट की थी, और मार्टी उसको माफ भी कर देता है। फिर वहाँ पे जमीन कांपने लगती है क्योंकि उन लोगों ने खुद का सेक्रीफाइस तो दिया ही नहीं था। और फिर जमीन के नीचे से एक बड़ा हाथ बाहर आता है जो कि इविल गॉड का था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।